पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, हमको फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव और सिंपली इंटीग्रल। किसका करना है? साइन 2x का। और हमको अपने मन में सोचना है कि साइन 2x का जो इंटीग्रल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा इसके लिए, हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको साइन 2x की टर्म आती है उसके अंदर। तो आपको पता है जैसे कोस 2x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो कोस 2x से क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। और जो अंदर वाला फंक्शन है जो कि 2x है, ये जो 2x दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -2 टाइम साइन 2x। तो यहाँ से अपन को साइन 2x की वैल्यू ये आ जाएगी, ये -2 को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगी। उसके बाद माइनस हाफ तो कॉन्स्टेंट है तो उसको अंदर ले जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं -1/2 × cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको साइन 2x मिल जाएगा। तो बेसिकली जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें जो फंक्शन चाहिए वो मिल रहा है, तो बेसिकली जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली यहाँ से डिफरेंशिएशन हट जाएगा और यही आ जाएगा, यानी ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब जब भी आपको बोले कि हमको ये फंक्शन दे रखा है और उसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो आप एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचो जिसको अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो हमको ये गिवन फंक्शन मिल जाए। तो अब आप इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये साइन 2x मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हो गया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दे रखा है कि वापस हमको एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, कौन से फंक्शन का, cos 3x फंक्शन का। ये जो cos 3x हमको दे रखा है तो वापस वही, अब अपन को पता है कि जो sin 3x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 × cos 3x आएगा। और यहाँ से अपन cos 3x की वैल्यू 1/3 × d/dx of sin 3x लिख सकते हैं। बस ये 3 को इधर ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो अपन ने वापस वो फंक्शन ऐसा फाइंड आउट कर लिया जिसका डेरिवेटिव करता है, यानी जिसका डिफरेंशिएशन करता है, तो हमें जो फंक्शन चाहिए वो मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है 1/3 of sin 3x, ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। तो यहाँ पर हमको वापस वही है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड आउट करना है कौन से फंक्शन का, e^2x है। तो वही अपन को पता है जब e^2x, तो वापस अपन को ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव करने से अपन को e^2x मिल जाता है। जब e^2x का जब डिफरेंशिएशन करता है तो अपने पास क्या आता है, यहाँ पे e^x का डिफरेंशिएशन e^x के ऊपर, जो यहाँ पे जो फंक्शन है 2x उसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो ये e^2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ से e^2x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे तो ½ d/dx of e^2x, और फिर कॉन्स्टेंट है उसको अंदर ले जाएंगे। तो ये अब अपन ने ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर लिया जिसका डेरिवेटिव करने पर अपन को ये e^2x मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा या फिर एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब अपन को फाइंड आउट करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, यानी अपन को ऐसे फंक्शन के बारे में पता लगाना है जिसका डेरिवेटिव करने पर अपन को ये मिल जाए, यानी अपन को इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अपन ऐसा फंक्शन पता लगाएंगे जिसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपन को ये ax+b² मिल जाए। तो वो फंक्शन क्या है, जब आप ax+b³ इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स दिस आ जाएगा, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो ए आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ से ax+b² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/3 है एंड d/dx of दिस। वापस ये 1/3 कॉन्स्टेंट है उसको अंदर ले जाएंगे, ये इस पूरी चीज़ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और अपन ने ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर लिया जिसका डिफरेंशिएट करने पर यह आता है, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपन ने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। यहाँ पे हमको वापस अब अपन को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे यहाँ पे ये दो फंक्शन है, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन को अलग कर, इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक इसका अलग से करेंगे और एक इसका अलग से करेंगे। दोनों में डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो यहाँ पे फोर्थ है उसको बाहर ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है। और फिर e^3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x का e^x, और जो x का कोफिशेंट है उसका डिवाइड करता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो सिंपली अपन ने इसका ऐसे कर लिया। तो सबसे पहले प्लस का साइन है तो उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे मतलब इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, और यहाँ पर ये 4 जैसे कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया। फिर e^x का अपन ने पढ़ा था कि जो e^x का e^x ही होता है,
लेकिन जब यहाँ पे एक्स में कुछ कोफिशियंट हो जाता है उसका डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ई रेस टू पावर 3x ई रेस टू पावर 3x ही होगा, लेकिन जो एक्स का कोफिशियंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक्स का कोफिशियंट 3 है तो उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। तो इसका कैसे करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब मैंने बताया था जब यहाँ पे दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का अलग से करेंगे और 1 टाइम dx का अलग से करेंगे, एक्स स्क्वायर का x³/3 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। तो ax² में a कांस्टेंट बाहर ले लिया, bx में से b को बाहर ले लिया, और c में से तो c कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो x² का वही x³/3, x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² / 2, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी हमारे पास, यहाँ पे अलग अलग टर्म में डिवाइड कर लिया, कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लिया, और सिंपली जो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1/(n+1) होता है वो वाला हमने फॉर्मूला लगा लिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अभी हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + e^2 x dx। तो वहाँ पे प्लस का साइन है वापस, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ 2x² में 2 कांस्टेंट था तो उसको यहाँ पे बाहर ले लिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर x² का x³/3 हो जाएगा, e^2x का e^2x हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x² dx। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो पहले अपन स्क्वायर को कर लेंगे, तो यहाँ पे x + 1/(x-2) आएगा, ये आ गया। उसके बाद प्लस का साइन है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मैंने बताया था, यहाँ पे इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x dx 1/(x dx) एंड -2 पर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, और ये 1 dx बच जाएगा। और उसके बाद अपन को पता ही है कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻(n+1)/(n+1). तो यहाँ पे x dx का क्या हो जाएगा, x²/2 1/x का लॉग x होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको x⁻-1 करके मत करने लग जाना, ये आपने x⁻ यहाँ पे ये -1 करके आप इसको इसी फॉर्मूले से करने लग गए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं करनी आपको, ध्यान रखना है 1/x का क्या होता है, लॉग x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, x³+5x²-4x² dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे x² को यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, और इस टर्म में डिवाइड करेंगे, और ये थर्ड टर्म में डिवाइड करेंगे, तो पूरे से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा या 5 बच जाएगा, या 4 × x²-2 आ जाएगा, 1/(x²)-2 कर देंगे, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, x⁻ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻(n+1)/(n+1)। तो यहाँ पे ये इसको अलग अलग प्लस का और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, x dx 5 × 1 dx, और 4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो x²-2 dx। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स का x²/2 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है ना वो यूज़ करना है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर x⁻-1/(-1)। तो इस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि x³+3x+4√x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x⁻(5/2) बच जाएगा, यहाँ पे x⁻½ बच जाएगा, और यहाँ पे x⁻−½ बच जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, x⁻ का क्या होता है, x⁻(n+1)/(n+1)। तो x⁻(5/2) का क्या हो जाएगा, x⁻(7/2)/(7/2), x⁻½ का क्या हो जाएगा, x⁻³/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2, और x⁻−½ का क्या होगा, x⁻½ एंड डिवाइडेड बाय हाफ। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना था, बस यहाँ डिफरेंट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसका x⁻ का फॉर्मूला लगाना था,
और फिर अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन ऐसे कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये जो पहली टर्म है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म है, जो ये ऊपर वाली टर्म है, ये जो ऊपर वाली टर्म दिख रही है इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से शुरू के जो दो है उसमें से, यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा और यहाँ पे ये वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। फिर एक्स माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपके पास। यहाँ तक कर लिया, इसको हमने इस दो टर्म के फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो जब इसको इस जब इस टर्म को इस टर्म के ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले टर्म कैसे लिख देंगे, फिर एक्स माइनस वन से यहाँ पे एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली ये और ये गया, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन में प्लस का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमको क्या है, वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट एक्स को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो रूट एक्स ही हो जाएगा, और एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। अभी ये रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 में एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x² प्लस 2x + 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 आएगा, 2x को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 आएगा, 3 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर हाफ आएगा, फिर एक्स की पावर 5/2 का करेंगे तो एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 का एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 आ जाएगा, और एक्स की पावर हाफ का एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टाइम्स कॉस एक्स प्लस सी रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसका करना है। तो यहाँ पे ये इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म उसको बाहर ले लेंगे। तो इसको पहले 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, 3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एंड ई रेज टू पावर एक्स का। तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, ये हो गया ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स होता है ये। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकता है। तो वही यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x² डी एक्स का इंटीग्रेशन, 3 साइन एक्स का एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एंड 5 रूट एक्स का एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं उसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स की पावर हाफ में एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम है हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस tan x। तो पहले sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे sec x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ sec x tan x आ जाएगा। आपको पता है sec x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि tan x को डिफ्रेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x आता है, और जो फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आ जाएगा, और sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x ही होता है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थे यहाँ पे। तो फिर देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉब्लम कर ली है। अब फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अभी मैंने देखा कि हमारे पास दो और प्रॉब्लम है तो इनको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दरकार sec x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec x का होल स्क्वायर dx, तो इसको करना है। तो हमको पता है जो sec x का होल स्क्वायर को 1 डिवाइडेड बाय cosec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और cosec x का होल स्क्वायर को 1 डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि tan x का होल स्क्वायर को sec x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और sec x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2 माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इन दोनों टर्म में यहाँ पे
डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जो 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स होल स्क्वायर है उसको सेक एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे, और 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स आएगा उसको 10x, और 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स को यहाँ पे सेक एक्स। तो यहाँ पे कोस एक्स के होल स्क्वायर को कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स लिख सकते हैं, फिर 1 कोस के साथ में साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स तो 10x हो जाएगा, और 1 वन बाय कोस एक्स आएगा जिसको सेक एक्स लिख देंगे। अब सेक एक्स के होल स्क्वायर का क्या होता है, 10x होता है, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले से रिलेटेड और बेसिक चीज़ें थी, तो वो हमने कवर कर ली है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे।